इस वीडियो की स्टार्टिंग जबरदस्त स्टोरी से करते हैं जो कि आपको बहुत कुछ सीख देगी और इसे सही तरीके से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक इंसान घर में बोर हो रहा होता है और उसके बाद वो अपने घोड़े से निकल करके बाहर जाता है, घोड़े पे चढ़ता है और जंगल की तरफ वो जा रहा होता है। जैसे ही वो जंगल की तरफ जा रहा होता है, वो रास्ते में देखता है कि एक पेड़ पूरे रोड को घेर करके गिरा हुआ है। मींस वो बड़ा सा पेड़ रोड पे घेर के गिर के खड़ा हुआ है और इसके कारण बहुत सारे लोगों का रोड पे जाना बंद हो गया है। तो वो इंसान क्या करता है, अपने घोड़े से उतरता है और घोड़े से उतरने के बाद उस जगह पे जाता है जहां पर वो पेड़ घिरा होता है और रोड को पूरा घेरा होता है। तो वहां पर वो क्या देखता है कि चार लोग, चार सैनिक उस पूरे पेड़ को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पूरे जबरदस्त दौड़ लगा रहे होते हैं जिससे कि वो पूरा पेड़ हट जाए रोड से और उसके बाद वो फिर से आना जाना हो सके उस रोड पे। अब वो उन चार लोगों के साथ एक और इंसान को भी देखता है जो कि उस घोड़े पे बैठा रहता है उन लोगों के बाजू में और वो उन लोगों को आदेश दे रहा होता है। तो वो उसकी तरफ देखता है, वो उन लोगों का ऑफिसर होता है उन चार सैनिक का। तो वो उस ऑफिसर के पास जाता है जो इंसान, और वो उनसे बोलता है कि सर अगर आप इन लोगों की हेल्प करें तो ये काम और जल्दी आसानी से हो जाए, तो आप इनको क्यों बोल रहे हैं। तो वो बोलता है कि मैं इन सभी का ऑफिसर हूँ, मैं इन सबका हेड हूँ, मैं इन सबका सुपरवाइजर हूँ, तो इसके लिए मैं काम नहीं कर सकता, सिर्फ इन्हीं लोगों को काम करना पड़ेगा, मेरा काम ऑर्डर देना है, मेरा काम आदेश देना है। तो उसकी बात सुन करके ये इंसान मुस्कुराता है, एक स्माइल देता है और उसके बाद उन चारों लोगों के साथ लग जाता है काम करने में और बहुत जल्द क्या होता है, वो लोग मिल करके पेड़ को हटा देते हैं। जब ये काम पूरा खत्म हो जाता है उसके बाद ये इंसान उस बड़े से ऑफिसर के सामने आता है और उसे क्या करता है, जेब से निकाल करके एक विजिटिंग कार्ड उसे पकड़ाता है और उस विजिटिंग कार्ड पे लिखा होता है कि वो वेस्टन चर्चिल है, जो कि विंस्टन चर्चिल का नाम दुनिया के मतलब बहुत बड़े मिनिस्टर्स में शामिल होता है और वो उस कंट्री के एकदम वजीर आजम थे जिसे मिनिस्टर भी कहते हैं। और वो उसको जैसे ही कार्ड पकड़ाते हैं और वो जैसे ही कार्ड पे नाम देखता है उसका मतलब उसका दिमाग एकदम एक सेकेंड के लिए हैंगआउट हो जाता है कि ये क्या हो गया। तो वो उनसे बोलते हैं विंस्टन चर्चिल कि अगली बार से जब भी आपको कभी पेड़ हटाने की जरूरत पड़े, जब भी रोड के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आप मुझे बोलिएगा, आप मुझे कॉल करिएगा, इसलिए मैंने आपको विजिटिंग कार्ड दिया है क्योंकि मुझे अपने नीचे वाले लोगों को, अपने जूनियर्स को हेल्प करना बहुत पसंद है। इससे हम लोगों को क्या पता लगता है, लाइफ में जितने भी बड़े लोग होते हैं उनके अंदर एक हम्बलनेस होता है, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं, वो कितने भी ऊपर उठ जाए पर उनके पैर जमीन पर ही रहते हैं, वो दूसरों को हेल्प करने में बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। इससे हमें यह भी पता लगता है कि दूसरों को हेल्प करके किस तरीके से खुद बढ़ा जा सकता है। हेल्प अदर्स टू सक्सीड इफ यू वांट टू सक्सीड। अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हैं तो आप दूसरों की मदद करना स्टार्ट करते हैं, दूसरों की मदद करते करते आपके गोल्स खुद ब खुद अचीव हो जाएंगे, और आप बहुत जल्दी उसे उस मुकाम पे पहुंच पाएंगे। कहा जाता है आप किसी एक इंसान की हेल्प करने से पूरी दुनिया को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप उस एक इंसान की हेल्प करके उसकी दुनिया को पूरी चेंज कर सकते हैं, और जो कि बहुत बड़ी बात है। और इफ यू विल हेल्प अदर्स टू अचीव देयर ड्रीम्स, यू आर ऑटोमेटिकली अचीविंग योर ड्रीम्स। अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हैं उनके ड्रीम्स को अचीव करने में ना, तो आप ऑटोमेटिकली दूसरों को हेल्प करके आप अपने खुद के ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये होती है, जितने बड़े बड़े लोग होते हैं वो हम्बलनेस होते हैं, वो डाउन टू अर्थ होते हैं, वो दूसरों की हेल्प करने में बिलीव करते हैं, सीनियर और जूनियर का फर्क नहीं समझते और हेल्प करने में बिलीव करते हैं, आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं और गोल्स की तरफ हमेशा बढ़ते जाते हैं। वो कभी भी कंपैरिजन नहीं करते, वो कभी भी आपस में ऊपर या नीचे वाला चीज नहीं समझते, वो कभी भी जूनियर और सीनियर नहीं समझते हैं, बस वो मदद करते जाते हैं, हेल्प करते जाते हैं, सही तरीके से दूसरों के साथ मिलजुल के रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यही था एक छोटा सा मैसेज, अगर आप सही तरीके से अपनी जिंदगी में इसे उतारें, सही तरीके से ऊपर या नीचे का भेदभाव न समझें, अगर आप सही तरीके से लोगों को ट्रीट करें, हम्बल तरीके से रहें, ग्रेटिट्यूड करें हर चीज का, तो सही तरीके से लाइफ में बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। और यही है सही मायने में जिंदगी में जीने का मतलब। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल वीडियोस मैं लाता हूं आपके लिए एवरी वीक। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग अविस्पार्क्स।